गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछले वीडियो में कहा गया था, आज का वीडियो डाउट क्लास पर है। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर अलोंग द लाइन सो दैट द थर्ड चार्ज विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास दो चार्ज थे, क्यू माइनस 9Q। अब अगर बीच में थर्ड चार्ज क्यू को हम लोग रख देते हैं, तो इस क्यू चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा राइट की तरफ, माइनस 9Q चार्ज के कारण फोर्स लगेगा राइट की तरफ, तो ये पोजीशन इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अगर इस साइड में रखते हैं क्यू चार्ज को, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा राइट की तरफ, और माइनस 9Q के कारण एक फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। लेकिन माइनस 9Q बड़ा चार्ज है, तो इसके कारण इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो भी बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस भी कम कर दिया गया। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो लग रही है, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल नहीं हो सकते। और इस साइड अगर रख देते हैं क्यू चार्ज को, तो माइनस 9Q चार्ज भी बड़ा है और उससे दूरी भी ज़्यादा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा राइट के तरफ, माइनस 9Q के कारण फोर्स लगेगा राइट के तरफ, और प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा लेफ्ट के तरफ, दोनों फोर्स बराबर होगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेंगे। तो यही पोजीशन है जहां पर आप इस कैपिटल क्यू चार्ज को रखेंगे तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज Q to be placed such that all the charges are in equilibrium। तो थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखें, तो एक चार्ज है Q, एक चार्ज है माइनस 16Q। तो थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखें, तो जैसा कि बात हम लोग कर चुके थे कि तीसरा चार्ज जो इक्विलिब्रियम में होना वाला है इसी पोजिशन पर रखाएगा। मान लेते ये दूरी x है, इसकी दूरी मान लेते दूरी L, दोनों के बीच का डिस्टेंस L। तो इस Q के कारण जितना फोर्स कैपिटल Q पे लगेगा, Q के कारण कैपिटल Q पर जितना फोर्स लगेगा लेफ्ट के तरफ, माइनस 16Q के कारण उतना ही फोर्स लगेगा राइट के तरफ। दोनों को इक्वेट करते हैं, K Q बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K Q इंटू 16Q बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल प्लस एक्स होगा। के क्यू क्यू कट गया टेकिंग रूट, तो 1/x इक्वल्स 4/ एल प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x और x इक्वल्स टू L/3। तो पोजीशन तो हमारा पता चल गया कि L/3 डिस्टेंस पर रखेंगे स्मॉल क्यू से, तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने वाला। फिर नेक्स्ट पोजीशन हमें पता चल गया नेचर। तो जैसा कि यहाँ पर नेचर क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज का जो नेचर होगा वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। जो पोजीशन है यहाँ पर, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो कैपिटल क्यू के कारण ये फोर्स लेफ्ट की तरफ और माइनस 16Q के कारण ये फोर्स राइट की तरफ, और अगर माइनस क्यू रखेंगे तो इसके कारण ये फोर्स राइट की तरफ और इसके कारण ये फोर्स लेफ्ट की तरफ। तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो Q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए पॉजिटिव रख करके देखते हैं। अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो स्मॉल Q के कारण लेफ्ट की तरफ और माइनस 16Q के कारण राइट की तरफ, तो नेट फोर्स ज़ीरो होगी। तो अगर Q को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो स्मॉल Q के कारण नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है। अब देखते हैं ये स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है सच दैट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। सब के सब चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब सब चार्ज पर नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए।
तो अगर कैपिटल क्यू को पॉजिटिव लेते हैं तो इस स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो राइट के तरफ, और माइनस 16 क्यू के कारण जो स्मॉल क्यू पर फोर्स लगेगा वो भी राइट के तरफ। तो इस केस में अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव लेते हैं तो इस स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स जीरो कब हो? अब अगर हम क्यू को नेगेटिव ले लेते हैं, तो क्यू को अगर नेगेटिव लेंगे तो इस स्मॉल क्यू के कारण कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा राइट के तरफ, और माइनस 16 क्यू के कारण जो कैपिटल क्यू पर फोर्स लगेगा वो लगेगा लेफ्ट के तरफ, तो नेट फोर्स जीरो होगी। और स्मॉल क्यू पर अगर दिखलाते हैं तो माइनस क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा लेफ्ट के तरफ, माइनस 16 क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा राइट की तरफ। तो इस केस में नेट फोर्स जीरो हो सकता, तो कैपिटल क्यू को नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल गया हम लोग को कि कैपिटल क्यू का जो नेचर होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास पोजिशन मिल गया, नेचर मिल गया, पोजिशन हो गया, नेचर हो गया। अब मैग्नीट्यूड, तो अब किसी दूसरे चार्ज पर रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाला है। तो कैपिटल स्मॉल क्यू पर रख देते हैं, स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स जीरो होने वाला है, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू माइनस 16 क्यू, के स्मॉल क्यू इंटू 16 क्यू बाय एल स्क्वायर। अब स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, स्मॉल के स्मॉल क्यू कट जाएगा, एक्स का वैल्यू है एल बाई थ्री, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं वन बाय एल स्क्वायर बाय नाइन इक्वल्स टू 16 क्यू बाय एल स्क्वायर कट गया, नाइन जाएगा उधर, नाइन बाय 16 कैपिटल क्यू यहाँ पर बचा जाएगा, कैपिटल क्यू यहाँ पर रहेगा इक्वल्स टू स्मॉल क्यू, मीन्स कैपिटल क्यू इक्वल्स टू 16 बाय 9 स्मॉल क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो पोजिशन, नेचर और मैग्नीट्यूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से था, दो स्मॉल क्यू एक सेंटर पर कैपिटल क्यू जिसका मास है एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ थर्ड चार्ज व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड थ्रू एक्स। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक चार्ज है स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, यहाँ पर कैपिटल क्यू लिया गया। जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे, तो अब नया पोजीशन बन जाएगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 2D थी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी डी प्लस एक्स, और इससे दूरी हो जाएगी डी माइनस एक्स। तो नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स इस स्मॉल क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी राइट की तरफ, वो थोड़ी छोटी होगी। राइट की तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, और इसके कारण लेफ्ट की तरफ वो थोड़ी बड़ी होगी, इसको नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। तो नेट फोर्स जो होगा इसके कारण, इसका नाम देते हैं F1 और इसका नाम देते हैं F2, तो F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू के क्यू क्यू बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू क्यू कॉमन, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय
एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के केस में, तो ए प्लस बी एक्स एक्स कट जाएगा और ए माइनस बी एल कट जाएगा। तो यहाँ पर टू एल एक्स माइनस के क्यू क्यू फोर एल एक्स बाय एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बोला गया था, दैट इज जब बोला गया स्लाइटली डिस्प्लेस्ड दैट इज कैपिटल एल, एक सेकेंड एल, इसको एल मान लीजिए, दोनों का बीच का डिस्टेंस जो 2D बोला गया था उसको एल ले लीजिए। एल के एक्सप्रेशन में लिखा गया है एल प्लस एक्स, इसको भी एल मान लो, यहाँ पर एल माइनस एक्स, एल का वैल्यू मच मच ग्रेटर देन एक्स होगा। यहाँ पर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एल टू द पावर फोर एल एल कटेगा, तो एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू फोर एक्स बाय एल क्यूब। अब हमारा जो सिस्टम है वो SHM में होगा, क्योंकि जब हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो राइट साइड वाला फोर्स कम हो जा रहा है और लेफ्ट साइड वाला फोर्स बढ़ जा रहा है, मतलब सिस्टम को चार्ज को वापस से इनिशियल पोजिशन की तरफ ये ढकेलेगा। तो हमारा जो नेट फोर्स है, चूँकि सिंस इट इज इन SHM, तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो X X कट जाएगा, तो K इक्वल्स टू K Q Q बाय L क्यूब इंटू फोर। अब ये स्मॉल K और ये कैपिटल K दोनों अलग अलग है, स्मॉल K फोर्स कांस्टेंट और ये कैपिटल K कूलम्स कांस्टेंट, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिए। टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एम बाय के। अब के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, मास भी दिया हुआ है, तो हमारा टाइम पीरियड निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में आपसे पूछा गया था कि इस दोनों सिस्टम में बताइए किस सिस्टम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखेंगे। अभी कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, अगर हम इसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इसके कारण जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ, मतलब ये चार्ज और ऊपर की तरफ ही चलता चला जाएगा, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। इसके कारण फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, यहाँ पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, तो जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये वापस इनिशियल पोजिशन की तरफ आ रहा, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। SHM का एक क्वेश्चन इस पर आप लोग असाइनमेंट में लिख लीजिए, एग्जाम्पल ये है होमवर्क। अगर एक चार्ज है स्मॉल q, दूसरा चार्ज है स्मॉल q, सेंटर पर रखा हुआ माइनस q, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया x डिस्टेंस ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, SHM में आ जाएगा ये, तो आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड ये डिस्टेंस आप 2L ले लीजिए, जनरली L के टर्म में डिस्टेंस रहता है, तो डिस्टेंस L के टर्म में ले लीजिए, आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। कूलम्स लॉ इन मीडियम, ये तो आज ही का लेक्चर है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रीवियस वीडियो को देखते हैं। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड ओवर सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एक्सप्लेन, इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड ओवर सिल्क क्लॉथ द इलेक्ट्रॉन्स
इन ग्लास रॉड आर लूजली बॉन्डेड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड एंड सो द टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास का डिफरेंस कुछ बता दिया गया था पिछले वीडियोज में, इसको लिख लीजिएगा। कंडक्टर इंसुलेटर डिफरेंस आपको लिखना है खुद से, इसको लिखिएगा। इंडक्शन, हाउ कैन वी गेट ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी बाय इंडक्शन। तो प्रीवियस एग्जांपल में नेगेटिव चार्ज बॉडी लिए थे तो पॉजिटिव चार्ज मिला था, हमको चाहिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। हमारे पास एक बॉडी बी है जो कि न्यूट्रल है, आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लीजिए। जब इसको नज़दीक लाइएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे और रियर साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अर्थ से बॉडी के रियर पार्ट में जाएगा और ये सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर अर्थिंग को आप हटा दीजिए और फोर्थ स्टेप, फाइनल स्टेप में आप इस बॉडी को भी हटा देंगे तो चार्ज विल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी गेट ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, एन का वैल्यू निकालना था तो क्यू आपका 1 कूलम है, एन इक्वल्स टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसे सॉल्व कर देंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ आता है, कूलम्स लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, मिनिमम फोर्स, वेक्टर फॉर्म में निकालना था ये सब, घड़ी प्रॉब्लम। चलिए देखिए घड़ी प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। घड़ी प्रॉब्लम में हम लोग के पास घड़ी के शेप में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, 3 कूलम 6 कूलम 9 कूलम, फिर 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 7 कूलम 8 कूलम 10 कूलम 11 कूलम। सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का और ये रेडियस है r। अब अगर 12 कूलम और 6 कूलम जस्ट अपोजिट में है तो इसके कारण जो नेट फोर्स काम करेगा इस पर वो नीचे की तरफ काम करेगा, तो नेट फोर्स कितना काम करेगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अगर एक एग्जांपल देखें तो के क्यू वन मतलब 12, क्यू टू मतलब 1 बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू वन मतलब 6 इस बार, क्यू टू फिर से 1 बाय आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 6k बाय आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर रिजल्ट हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 6, तो यहाँ पर आएगा 6k बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम 1 कूलम और 7 कूलम का देखें तो सेम एक्सप्रेशन, 6k बाय आर स्क्वायर एफ ही आएगा। अगर 11 कूलम और 5 कूलम का देखें तो सेम एक्सप्रेशन, 6k बाय आर स्क्वायर इसका नाम एफ दे देता है। 3 कूलम और 9 कूलम का भी सेम एक्सप्रेशन एफ, 2 कूलम और 8 कूलम का भी सेम एक्सप्रेशन एफ, 4 कूलम और 10 कूलम का भी सेम एक्सप्रेशन एफ। अब यहाँ पर जो एंगल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारे एंगल्स 90, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 30 30 30, तीन पार्ट में 30 30 30, मतलब हर एक एंगल 30 डिग्री का होगा, तो ये अगर 30 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक फोर्स एफ काम कर रही है तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसके कारण कट जाएगा, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब एफ कॉस 30 और इसका एफ कॉस 30, मतलब 2f cos 30। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक एफ काम कर रहा है प्लस
2f cos 30 डिग्री काम करेगा, और फिर ये फोर्स का f यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा, f cos 60, और यहाँ का भी f cos 60 मीन्स 2f cos 60 प्लस 2f cos 60 डिग्री, और नीचे काम कर रहा है एक f। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, f का वैल्यू 6k/r², cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेक्टर प्रॉब्लम है, कंपोनेंट्स में तोड़ करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है चार्ज सीरीज, 1 कूलम 1 मीटर पर 1 कूलम रखा हुआ है, 3 मीटर पर 27 कूलम रखा हुआ। सबके कारण जो फोर्स होगा वो लेफ्ट की तरफ ही काम करेगा, तो सारे फोर्सेस को ऐड कर देना। तो एफ के Q1 इंटू Q2 1/1² प्लस के Q1 27 इंटू Q2 1/3² प्लस .. 9 तक गया है, के Q1 इस बार Q1 हो जाएगा 729 इंटू 1/9² तो के इंटू 1 कॉमन आ जाएगा, मीन्स के कॉमन आ जाएगा बाय 1 प्लस 3 तो 9, तो 9 3 जो 20, 1 + 3 प्लस फिर ये 25, 5 + 5 + 7 + 9, इसको जोड़ देना है, 9 + 7 = 16 + 5 = 21 + 3 = 24 + 1 = 25, 5 नंबर है। तो ये फर्स्ट ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम अगर निकालना तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n² क्योंकि 5 टर्म है, तो 5² 25, ऐड करके भी 25 ही आया था। तो f इक्वल्स टू k इंटू n² 5 है तो f इक्वल्स टू 25k, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर आपका डाउट्स खत्म। जितने भी एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं सारे डाउट्स आपको क्लियर करा दिए गए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो आप एक असाइनमेंट ले लीजिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये होमवर्क हो जाएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक क्यूब बना दीजिए, क्यूब बना दीजिए और हर वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रख दीजिए, क्यू चार्ज रख दीजिए हर वर्टेक्स पर। क्यूब का साइड है ए, क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड इक्वल्स ए। इस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना, फाइंड नेट फोर्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की मदद से बनेगा। सब चार्ज
को वर्टेक्स पर रखा गया है। आप किसी एक को ओरिजिन मान लीजिए, ओरिजिन मान करके सबका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट निकाल करके इस पर आपको नेट फोर्स बताना है। इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए, एक चार्ज है Q1 जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 4, 6 और दूसरा चार्ज है Q2 जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 6, 8। रैंडम क्वेश्चन है, इसको बस आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस फॉर्मूला किस तरह से लगेगा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको निकालना है F=force on 1 due to 2। फॉर्मूला आपको बताया गया था F=force on 1 due to 2, जिस पर फोर्स निकालना है R का हेड उधर ही रहेगा, वेक्टर R का हेड उधर ही रहेगा आपको बताया गया था, और चार्ज का साइन के साथ फॉर्मूला में पुट करना है। यहाँ पर F=force on 1 due to 2 अगर निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे, K Q1 Q2 / R2 - R1 ^3 R2 - R1। ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, फॉर्मूला यूज़ करके इसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बेसिस पर फिर इस सवाल को बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, स्टे सेफ, स्टे एट होम।